सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने के बाद से उमरिया जिला प्रशासन पूरी तरह हाट बाजार में मुस्तैद है, जिसके तहत शुक्रवार बड़ी मात्रा में पानी के पाउच और पॉलीथिन जब्त करते हुए 5,000 का जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान कलेक्टर और नगरपालिका सीएमओ खुद बाजार की गलियों में घूमकर जहां लोगों को इसके बैन होने व खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में बताया। सिंगल यूज प्लास्टिक से मूक मवेशियों की बढ़ती मौत और कृषि भूमि की खत्म होती उर्वरा शक्ति को लेकर पूरे देश में सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया और कार्यवाही के दौरान जुर्माना भी तय कर दिया है, जिसके तहत बाजार की सड़कों पर खुद उतरकर कलेक्टर ने मोर्चा संभालते हुए खुद दुकानों की जांच की और बैन हो चुके पानी के पाउच और पॉलीथीन को जब्त करते हुए कई दुकानदारों पर 5,000 का जुर्माना किया गया है। सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2022 से नगरीय क्षेत्रों में डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल चम्मच, प्लेट, पानी के पाउच, इन सब का विक्रय और इन सब का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो इस संबंध में बैठक लेकर पूर्व में सभी संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराया गया था कि इसके स्थान पर जो दूसरी बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां हैं, लकड़ी के चम्मच हैं, दोने, पत्तल, कागज़ की प्लेट, इनका उपयोग प्रारंभ करें, प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। और आज जब चेकिंग पर निकले गए तो अधिकांश स्थानों पर इसका पालन होता हुआ पाया गया। अधिकांश दुकानों में प्लास्टिक की सामग्री नहीं मिली, 2-3 दुकानों में प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के पानी के पाउच और एक गोडाउन में कुछ सामग्री जब्त हुई है, जिन पर नियमानुसार जो 5,000 रुपये प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड किया जाना है, वो अर्थदंड आरोपित किया गया है। आपको बता दें कि जब से सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया है, तब से उमरिया जिला कलेक्टर खरीदी बिक्री पर नजर बनाए हुए हैं और शासन प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना भी शुरू कर दी है। उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।